अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे डी वन मैथमेटिक्स के डे टू के काम की। डे टू में हमारे पास क्वेश्चन नंबर वन की स्टेटमेंट है, प्रैक्टिस नंबर टू का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझिए, हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। उसने ये कहा कि इफ एन इज द होल नंबर, यहाँ पे इन बातों को अपने जहन में रखना है कि उसने ये कहा कि यहाँ पे जो एन है वो हमारे पास एक होल नंबर है। होल नंबर का वर्ड जो है वो सुनते ही आपके जहन में होल नंबर वाला सेट, मतलब होल नंबर के सेट में जो नंबर्स हमारे पास होते हैं वो सारे नंबर्स आपके जहन में आ जाने चाहिए। तो पहली बात तो ये कि हमारे पास n जो है ये एक होल नंबर है। किस तरह से? सच दैट n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 28 इज अ प्राइम नंबर। n हमने एक होल नंबर लेना है और जब इसको इस फार्मूले की शेप में दे दी तो ये जो हमारे पास एक नंबर बन गया ये वाला, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। बात को समझें कि हमारे पास n एक होल नंबर, उसके बाद ये उसने खुद से एक एक्सप्रेशन बना दी और फिर उसने ये कहा कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है आपने n की जगह पे ऐसा नंबर पुट करना है कि इसका जो आंसर हमारे पास आए वो क्या है जी, प्राइम नंबर है। अच्छा आगे देखें, फाइंड द प्राइम नंबर। अब हमने वो प्राइम नंबर फाइंड करना है जो हमें इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, मतलब n की जगह पे कोई हम ऐसा होल नंबर पुट करेंगे कि उसके पुट करने के बाद जब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक प्राइम नंबर होगा। एक्सप्लेन योर आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास उसने ये एक्सप्रेशन गिवन है, ये एक्सप्रेशन उसने हमें दी हुई है n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 28। अब यहां उसने ये कहा था कि n जो है ये एक होल नंबर है, तो मैं क्या करता हूं n की जगह पे मतलब कौन-कौन से नंबर पुट कर सकते हैं। जो हमारे पास उसने कहा था कि n होल नंबर है तो होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। मतलब कि n की जगह पे पहले हम 0 पुट करके चेक करेंगे, अगर 0 पुट करने से हमें इसका आंसर मिला प्राइम हमारे पास। नीचे प्राइम फैक्टर्स होते हैं और
ऊपर मतलब उनकी कोई ना कोई पावर होती है, जैसे 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4, इस तरह से ना मतलब पावर्स की फॉर्म में नंबर्स की हमारे पास पावर होती है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, किस तरह से इनकी पावर्स को लिखना है। यहाँ पे देखिए 2 हमारे पास 1 टाइम आया हुआ है, तो 2 की पावर 1 लिख दी। 3 कितने टाइम आया हुआ है, 2 टाइम, तो 3 की पावर मैंने 2 लिख दी। मतलब जितनी मरतबा कोई नंबर आ रहा होगा उसकी पावर उतनी लिख देंगे हम। फिर 7 एक ही मरतबा आया हुआ है तो 7 की पावर मैंने 1 लिख दी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 था, और यहाँ 126 का जो आंसर है फैक्टराइजेशन जो आई है हमारे पास की इंडेक्स नोटेशन में उसका आंसर हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एफ वाला पार्ट है, इसमें भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, और हमारे पास 2 नंबर्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 72 है और सेकंड पार्ट में हमारे पास 630 है, इनकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले 72 है तो इसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, ये 2 3 6 आ गया, और यहाँ पे हमारे पास ये कैरी आ गया 1, ये 12 बन गया। 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। अब ये 72 के हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो यहाँ पे लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, ये वाले हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने टाइम आ रहा है, 2 यहाँ पे 3 टाइम आ रहा है, तो 2 की पावर 3 लिख दी। उसके बाद 3 हमारे पास 2 टाइम आ रहा है, तो जितने टाइम मैंने कहा कोई नंबर आ रहा होगा उसकी उतनी पावर मैंने लिख दी। तो यहाँ से फिर 2 टाइम मैंने 3 की पावर मैंने 2 लिख दी, तो ये हमारे पास 72 की फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और वो कौन सी फॉर्म है हमारे पास, ये वाली इंडेक्स नोटेशन फॉर्म है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं, 630 है हमारे पास, इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। तो 630 को यहाँ पे रखा, 2 के टेबल में आ जाते हैं, 2 3 6, 2 1 2, 1 के लिए आ गया 2 5 10। अब ये 3 के टेबल में आएगा, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। अब 630 के हमारे पास ये वाले प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो यहाँ पे मैंने लिखा प्राइम फैक्टर्स ऑफ जो भी नंबर हमारे पास होगा 630 है, तो 630 लिख दिया। इसके कौन कौन से प्राइम फैक्टर्स आए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 5। 2 यहाँ पे एक ही दफा आया हुआ है तो 2 की पावर 1 लिख देंगे। 3 यहाँ पे 2 टाइम आया हुआ है, 3 की पावर 2 लिख दी। 5 1 टाइम है तो 5 की पावर 1 लिख दी। तो ये हमारे पास 630 की प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई है इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में। थैंक यू सो मच।